All right, friends. So now we are starting your chapter number 9. Okay, it's a very, very important. It's a strategic analysis of operating income. और old syllabus जब AMA था तो इसको हम बोलते थे activity based costing. ABC costing means activity based costing. और इसको मैं start करने के time पर ना एक बहुत ही funny example के साथ इसको मैं start करता हूँ कि जैसे suppose there are four friends are going for डिनर और अगर 4000 का बिल आता है, 4000 का बिल आता है और चार दोस्त लोग हैं जो डिनर करने जाते हैं तो एक जन कितना पे करेगा, एक जन पे करेगा 1000 रुपीज. दिस इज व्हाट इज ए ट्रेडिशनल सिस्टम. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिकवरी आपका क्या है कि टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आउट ऑफ दिस 4000 2000 इज ए लिकर का बिल एंड 2000 इज ए फूड का बिल. 2000 इज ए लिकर का बिल एंड 2000 इज ए फूड का बिल. लिकर कंज्यूम्ड बाई 4% एंड फूड कंज्यूम्ड बाई, सपोज लिकर कंज्यूम्ड बाई 2% बराबर और फूड कंज्यूम्ड बाई 4%. टोटल 4000 का बिल है, 4000 में से दारू का बिल है 2000 में खाली दो लोगों ने दारू पिया है लेकिन खाने का बिल है 2000 और खाना चार लोगों ने खाया. इज दिस एलोकेशन इज करेक्ट? आंसर इज नो, दिस एलोकेशन इज नॉट करेक्ट. क्योंकि जिसने दारू नहीं पिया है आप उसको बोलोगे दारू का दे, वो देगा नहीं. इसका मतलब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन देर आर टू एक्टिविटीज, वन इज ए फूड एक्टिविटी, वन इज योर फूड एक्टिविटी, दिस लिकर एक्टिविटी, वन इज ए फूड एक्टिविटी. लिकर कंज्यूम्ड बाई 2%, इट मीन्स हर पर्सन कितना आपको देगा 1000 रुपीज. फूड कंज्यूम्ड बाई 4, इट मीन्स हर पर्सन आपको कितना देगा 500 रुपये. तो देर आर टू एक्टिविटीज, ये 500 रुपये पर पर्सन और ये 1000 रुपये पर पर्सन, कभी झगड़ा होगा नहीं. द सेम चीज यहाँ पे आपका आता है, इट्स ए मॉडर्न अप्रोच कि आपको एलोकेशन ऑफ ओवरहेड करना है, आपको एलोकेशन ऑफ ओवरहेड करना है बट एज पर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट. आपको कैसे ओवरहेड ऑफ एलोकेशन करना है एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ओके, तो देखो मैंने आपको प्रिंट करके दिया है पेज नंबर 9.1 पे, आप जरा देखिए 9.1 पे मैंने थ्योरी आपको प्रिंट करके दिया है. मीनिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मीनिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इट इज अ मॉडर्न अप्रोच फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स विच इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी कॉस्ट एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर. मीनिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इट इज अ मॉडर्न अप्रोच फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स विच इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी कॉस्ट एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर्स. स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट, स्टेप नंबर 3 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट एज पर एबीसी, स्टेप नंबर 4 स्टेटमेंट शोइंग कंपेरेटिव कॉस्ट शीट, स्टेप नंबर 5 इज ए कमेंट्स. ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने. पहला है स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट, स्टेप नंबर 3 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट एज पर एबीसी, स्टेप नंबर 4 स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट शीट एंड स्टेप नंबर 5 इज ए कमेंट्स. कभी भी जब आप सीए होने के बाद इंटरव्यू में भी जाओगे तो भी आपको अपने बायोडाटा में रखना है कि वी आर ए पार्ट ऑफ एससीएमपी, हमने एससीएमपी ही पढ़ा है, हमने मॉडर्न कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है. ओके, आप वो पार्ट को फॉलो करिए. मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं आपको एकदम क्लियर कर पाऊं कि व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच एंड व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच. सपोज यू टेक द एग्जांपल, एक ट्रेडिशनल मेथड का आपको एक एग्जांपल लेता हूं. दिस इज योर ट्रेडिशनल एंड मेथड और आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको दे रखा है. ओके, ट्रेडिशनल मेथड में सपोज अगर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स ए एंड बी, आप प्रोडक्शन करने वाले हैं, प्रोडक्शन इन यूनिट्स है आपका 30,000 ऑफ ए एंड 20,000 ऑफ बी, आपका मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट है 2 रुपीज एंड 2 रुपीज आपका
लेबर का पर यूनिट कॉस्ट है 2 रुपीज, ओके। आपके पास टोटल मशीन आवर्स है, से सपोज 30,000 फॉर ए एंड 20,000 फॉर बी। आपका टोटल ओवरहेड है, आपका टोटल ओवरहेड है रुपीज 5 लाख। टोटल मशीन आवर्स है सपोज 50,000 और आपका रिकवरी रेट हो जाएगा 10 रुपीज पर आवर। आपका रिकवरी रेट हो जाएगा 10 रुपीज पर आवर। आपका कौन सा मेथड है? दिस इज ए ट्रेडिशनल मेथड। दो प्रोडक्ट है आपके पास ए एंड बी। प्रोडक्शन इन यूनिट्स आपको है 30,000, 20,000। मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट है 2 रुपीज, लेबर पर यूनिट कॉस्ट है 2 रुपीज। आपके पास टोटल मशीन आवर्स हैं 30,000, 20,000। टोटल मशीन आवर्स हैं 50,000। रिकवरी रेट है 10 और आपका टोटल ओवरहेड है रुपीज 5 लाख। सही है सुनो, आपका टोटल ओवरहेड है सपोज रुपीज से 5 लाख रुपीज, ओके। अगर आपसे बोला जाता है कि कैन यू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट बराबर एज पर ट्रेडिशनल मेथड, आप क्या लेंगे? 2 रुपीज इज ए मटेरियल कॉस्ट, 2 रुपीज इज ए लेबर कॉस्ट, दोनों मिलके आपका क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट। नाउ 30,000 यूनिट्स 30,000 आवर्स, इट मीन्स 1 यूनिट को बनाने में 1 आवर। 20,000 यूनिट्स 20,000 आवर्स, इट मीन्स 1 यूनिट को बनाने में 1 आवर। आपका रिकवरी रेट पर आवर क्या है? 10 रुपीज। आपका फैक्ट्री को ओवरहेड क्या आएगा? 10 रुपीज। 10 प्लस 4, 4, आपका फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 14 एंड 14। सही है, इट मीन्स अब आप बना लीजिए, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट एज पर ट्रेडिशनल मेथड। प्रोडक्ट्स ए बी यूनिट्स 30,000 ऑफ ए एंड 20,000 ऑफ बी पर यूनिट डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर मिलके आपका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट 2, 2, 2, 2, 4 रुपीज, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। नाउ एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है? 30,000 को बनाने में 30,000, इट मीन्स 1 आवर पर यूनिट। देन 20, 20, 1 आवर पर यूनिट। एंड व्हाट इज योर रिकवरी रेट? 10। सो दिस इज योर 1 आवर × 10 इज 10 रुपीज, 1 आवर × 10 इज 10 रुपीज, और आपका फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा से रुपीज 14 एंड 14। दिस इज एज पर योर ट्रेडिशनल मेथड। आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट थे? ए एंड बी। आपके यूनिट्स कितने हैं? 30,000, 20,000। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपीज, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज, प्राइम कॉस्ट 4 रुपीज, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड 1 आवर एट द रेट ऑफ 10, 10 रुपीज, 1 आवर एट द रेट ऑफ 10, 10 रुपीज, एंड फैक्ट्री कॉस्ट 14 एंड 14। सही है सुनो, दिस इज योर एच पर ट्रेडिशनल मेथड। आपको क्या दे रखा है? एज पर ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन जैसे ही आपने ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, आपको लग रहा है यार ये प्रोडक्ट तो नहीं बिक पा रहा है, या जो कॉस्ट निकल के आया है 14 रुपीज जो कॉस्ट निकल के आया है, दैट कॉस्ट इज नॉट प्रॉपर। आपकी ये कॉस्ट प्रॉपर नहीं है, बराबर। ये 14 रुपीज जो कॉस्ट निकल के आया है, दैट कॉस्ट इज नॉट प्रॉपर।
तो आपने स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन किया, कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको पता है मटेरियल में यू हैव ए टॉप क्लास गारंटीड मशीन है, इसका मतलब मटेरियल के अंदर बहुत कम चांसेज है कि कोई मिस्टेक हो। फिर आपने देखा लेबर के अंदर, तो वर्कर इज ए वेरी लॉयल वर्कर, राइट, बहुत पुराने टाइम से आपके पास हैं, वो एकदम कोई लॉस नहीं करते हैं, इसका इसका मतलब मे बी देर इज ए प्रॉब्लम इन रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, मे बी देर इज ए प्रॉब्लम इन रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अब अगर आपको याद हो हम लोग क्या करते थे, याद है आपका जब P&L अकाउंट बनाते हो, राइट, जब आप P&L अकाउंट बनाते हो तो P&L अकाउंट में आप क्या लिखते हो, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू स्टाफ वेलफेयर, टू कन्वेंस, टू सैलरीज, उसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टू एक्सपेंस एंड बाय इनकम, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट इज ए प्रॉफिट, फर्क क्या पड़ेगा। बट ओनली फॉर कंट्रोलिंग पर्पज, ओनली हम लोग क्या करते हैं, ओनली फॉर कंट्रोलिंग पर्पज हम लोग ऐसा करते, कंट्रोलिंग पर्पज के लिए हम लोग ऐसा करते करके। तो हम लोग क्या करते कि फुल एक्टिविटीज, जैसे जो फुल ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्टेन एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते। एग्जाम में आपको देखे रखेगा, बट मैंने आपको क्या बताया कि यू आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको एक एक चीज एकदम समझ में अच्छे से आनी चाहिए। क्या करेंगे अपन, दिस इज योर एक्टिविटीज, टोटल एक्टिविटीज आपने डिसाइड किया, सपोज से 3, आपका टोटल ओवरहेड, आपका टोटल ओवरहेड कितना था, सपोज रुपीज 5 लाख, आपने देखा टोटल ओवरहेड्स क्या आपको दे रखा है, आपको टोटल ओवरहेड दे रखा है 5 लाख, 5 लाख को आपने एक एक वाउचर चेक किया और आपने 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया, एक मशीन मशीन ओरिएंटेड, दूसरा योर मटेरियल ऑर्डरिंग एंड तीसरा इज योर मशीन सेटअप। मशीन सेटअप, ओके। आपने एक एक वाउचर को चेक किया, चेक करने के बाद आपको पता चला रुपीज 3 लाख रिलेटेड टू ये है, रुपीज 1 लाख रिलेटेड टू ये है, एंड रुपीज 1 लाख रिलेटेड टू ये है। टोटल जो 5 लाख का जो आपका कॉस्ट है उसमें से 3 लाख रुपीज किसका है, रिलेटेड टू मशीन ओरिएंटेड, 1 लाख किसका है ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, एंड 1 लाख रिलेटेड टू आपका सेटअप है। नाउ दिस एक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, हु ड्राइव्स दिस एक्टिविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर, हु ड्राइव्स दिस एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज को कौन ड्राइव करता है, जो ड्राइवर है उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर, ओके। ये सब आपको एग्जाम में देके रखता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि मेरे को आपको एक एक चीज समझानी है करके, आपको क्लियर करना है। इसका मतलब मशीन ओरिएंटेड है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ये किसके ऊपर है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये किसके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेटअप, ओके। टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने हैं, 50,000, 50 में से 30,000 ए से रिलेटेड है और 20,000 बी से रिलेटेड है, ये आपका ए और ये आपका बी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 5, इट मींस ए से और बी से, ए से रिलेटेड है 5, बी से रिलेटेड है 0। नंबर ऑफ सेटअप है 5, ए से रिलेटेड कितने हैं 0 और बी से रिलेटेड कितने हैं 5, बी से रिलेटेड कितने हैं 5। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, नाउ प्रोडक्ट बी इज आस्किंग यू, बी इज आस्किंग यू कि व्हेन इन माय केस व्हेन देयर इज नो ऑर्डर, मेरे केस में कोई भी ऑर्डरिंग कॉस्ट ही नहीं है, आई एम नॉट प्लेसिंग एनी ऑर्डर, हाउ कैन यू रिकवर एनी ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाउ कैन यू रिकवर एनी ऑर्डरिंग कॉस्ट फ्रॉम माय अकाउंट, अगर आप वो रिकवर करते हो दैट इज रॉन्ग। ही इज सेइंग इन माय केस व्हेन देयर इज नो सेटअप, ए इज सेइंग इन माय केस व्हेन देयर इज नो सेटअप
देन हाउ कैन यू रिकवर एनी सेटअप कॉस्ट, हाउ कैन यू रिकवर एनी सेटअप कॉस्ट फ्रॉम माई अकाउंट। अगर आप वो सेटअप कॉस्ट मेरे अकाउंट से रिकवर करते हो तो आपको क्या होगा, यू कैनॉट रिकवर फ्रॉम माई अकाउंट, क्योंकि मेरे केस में कोई भी सेटअप नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वी विल रिकवर द ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। तो टोटल आपका 5 लाख का, 5 लाख में से आपने एक एक वाउचर चेक किया, 3 एक्टिविटीज, 3 अकाउंट हेड आपने बनाए, एक मशीन ओरिएंटेड इफ द एक्सपेंस इज रिलेटेड टू मशीन इसमें आ जाएगा, मटेरियल ऑर्डरिंग इफ द एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑर्डर इसमें आ जाएगा, एक सेटअप इफ द एक्सपेंस इज रिलेटेड टू सेटअप इसमें आ जाएगा, देन ₹3 लाख, ₹1 लाख एंड ₹1 लाख। दिस इज नंबर ऑफ मशीन आर, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर एंड दिस इज नंबर ऑफ सेटअप। ये 30,000 दे 20,000 ए एंड बी एंड दिस इज ए एंड बी। सही आंसर है फ्रेंड्स। अब इनको क्या करेंगे, मैंने आपको क्या स्टेप्स लिखाए देखो जरा, पेज नंबर 9.1 पर देखो। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम में आपको ऐसे दे के रखेगा, एग्जाम में आपको टोटल दे के रखेगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट आर द एक्टिविटीज, देयर आर 3 एक्टिविटीज, हु इज देयर कॉस्ट ड्राइवर, देयर कॉस्ट ड्राइवर मशीन ओरिएंटेड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मशीन आर्स, ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सेटअप डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेटअप। देन स्टेप नंबर 1, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रिंग, इट मीन्स यू टेक स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट। फर्स्ट आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, फर्स्ट आपका रहेगा एक्टिविटी, सेकेंड आपका रहेगा कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड, थर्ड आपका रहेगा एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर इक्वल टू कॉस्ट ड्राइवर रेट, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर यूज एंड कॉस्ट ड्राइवर रेट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर इज ए कॉस्ट ड्राइवर, फर्स्ट इज ए मशीन, मशीन ओरिएंटेड, सेकंड इज योर मटेरियल ऑर्डरिंग एंड थर्ड इज मशीन, मशीन सेटअप। फर्स्ट एक्टिविटी मशीन ओरिएंटेड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मशीनर्स, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है मेरी राइट, आप उसमें देखते चलिए, दिस इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड दिस इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ सेटअप। ओके, टोटल 3 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इज 6, देन 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 है, इट मीन्स 20,000, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज 20,000। सही है सर, ओके। फर्स्ट इज एक्टिविटी हो जाएगा आपका, सेकेंड इज ए कॉस्ट ड्राइवर यूज, थर्ड इज ए एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ड्राइवर इज ए कॉस्ट ड्राइवर रेट, ये आपका क्या हो जाएगा स्टेप 1 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट। मशीन ओरिएंटेड, सेकेंड इज ए मटेरियल ऑर्डरिंग एंड थर्ड इज ए मशीन सेटअप, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मशीनर्स, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ सेटअप। 3 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इज 6 रुपीज, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 20,000, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज ए 20,000।
ये आपका हो गया स्टेप नंबर वन, इज ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, एंड इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि ये पूरा इज ए पार्ट ऑफ MIS, मीन्स आपका जो भी मैनेजमेंट रहता है उसके बाद ये पूरा फुल डिटेल में जाता है. यू प्लीज टेक केयर फॉर दैट. ओके, तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट. ओके, सेकेंड आप ले लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज योर सेकेंड. आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट, दिस इज योर स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट. फर्स्ट यू टेक एक्टिविटी, देन यू टेक प्रोडक्ट, देन कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड इनटू कॉस्ट ड्राइवर रेट डिवाइडेड बाई यूनिट्स कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट एंड पर प्रोडक्ट. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट, अपन ने क्या निकाला फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट. फर्स्ट इज ए एक्टिविटी, देन प्रोडक्ट, देन कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड, कॉस्ट ड्राइवर रेट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्टिविटी इज ए मशीन ओरिएंटेड. फर्स्ट एक्टिविटी मशीन ओरिएंटेड, कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए, ए एंड बी. दिस इज नंबर ऑफ मशीन आवर्स. नंबर ऑफ मशीन आवर्स इज 30,000 फॉर ए एंड 20,000 फॉर बी इनटू व्हाट इज द पर ड्राइवर का रेट, हम लोगों ने निकाला था फ्रेंड्स 6 रुपीज पर आवर ड्राइवर का रेट, 6 रुपीज. एंड उसके अंदर आपका प्रोडक्शन हो रहा है 30,000 यूनिट्स ऑफ दिस एंड 20,000 यूनिट्स ऑफ दिस, एंड दिस कम्स टू 6 रुपीज पर यूनिट, एंड दिस कम्स टू 6 रुपीज पर यूनिट. मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी. सेकेंड इज योर, दिस इज मटेरियल ऑर्डरिंग ए, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स. कितने ऑर्डर्स हैं, 5. एक ऑर्डर का कॉस्ट 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 एंड दिस कम्स टू 3.33. देन थर्ड इज योर मशीन सेटअप बी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेटअप. कितने सेटअप है, 5. एक का कॉस्ट 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 एंड दिस कम्स टू 5. सही है, सुनो, दिस इज व्हाट इज ए मशीन ओरिएंटेड. ए एंड बी, नंबर ऑफ मशीन आर 30,000, 20,000, रेट पर आर 6 एंड 6, 30,000, 20,000, 6 एंड 6. मशीन मटेरियल ऑर्डरिंग ए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5, 20,000, 30,000, 3.333. मशीन सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप 5, 20,000, 20,000 एंड 5. सही है, सुनो, बोलो, परफेक्टली क्लियर हो. ये आपका क्या होगा, स्टेटमेंट शोइंग
कॉस्ट एवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट, ये आपका क्या होगा स्टेटमेंट शोइंग, स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, एलोकेशन ऑफ एक्टिविटीज, टोटल एक्टिविटीज, टोटल कॉस्ट 5 लाख है, उसकी 3 एक्टिविटीज मशीन ओरिएंटेड, मटेरियल ऑर्डरिंग, मशीन सेटअप 3 लाख 1 लाख 1 लाख, देन नंबर ऑफ मशीनर्स 50,000, ए में 30,000, बी में 20,000, देन ए में 5, बी में, ए में, बी में एंड टोटल 5, देन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एवर रेट, एक्टिविटी कॉस्ट एवर यूज्ड, एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट एवर यूज्ड इज ए कॉस्ट एवर रेट, देन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट। सबसे पहले एक्टिविटी प्रोडक्ट्स कॉस्ट एवर यूज्ड इनटू कॉस्ट एवर रेट डिवाइडेड बाय यूनिट्स इज ए कॉस्ट एवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट, एंड देन यू कम टू योर कॉस्ट शीट, राइट। इट मींस दिस इज योर स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग, दिस इज स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, एज पर एबीसी, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट एच पर एबीसी, देयर आर टू प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ए एंड बी, यूनिट्स 30,000 एंड 20,000, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर मिलके आपका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, ₹2, ₹2, ₹2, ₹4, ₹4, इनडायरेक्ट कॉस्ट इट मींस एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट, ओके, एक्टिविटी 3 एक्टिविटीज ही है, बस आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फर्स्ट एक्टिविटी का कॉस्ट आपने को आ रहा है पर यूनिट पर प्रोडक्ट ₹6, 3.33 nil एंड 5, 13.33 एंड 40, सही है। सुनो फ्रेंड, टू प्रोडक्ट्स, स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग दिस इज योर कॉस्ट शीट एज पर ABC, two products A and B, units 30,000, 20,000, direct cost, direct material 2 and 2, direct labor 2 and 2, आपका prime cost is 4 and 4, indirect cost, activity 1, 2 and 3, 6, 6, 3.33 and this is 5 and total is this. ये आपका क्या हो जाएगा, is it factory cost. Okay, then you go to step number 4. This is your step number 4. और इसको हम क्या बोलेंगे friends? इज ए comparative cost sheet. Okay, it means this is your statement statement showing comparative cost sheet. एक आपका रहेगा ट्रेडिशनल मेथड
और एक आपका रहेगा मॉडर्न मेथड, ए बी 14 and 14 एंड दिस इज 13.33 एंड 15. सही है सर. तो पहले आपका कॉस्ट क्या आ रहा था 14 and 14, अब आपका कॉस्ट आ रहा है 13. पर अभी सपोज योर कंपटीटर इज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसका कॉस्ट ये आ रहा है. कस्टमर से आप ये बोलोगे आपका कस्टमर खरीदेगा नहीं, उसका कॉस्ट आ रहा है 15 और आपका ये प्रोडक्ट कस्टमर लेके जाएगा, लेकिन दोनों केस में आपको क्या हो जाएगा, इज ए लॉस. ओके, तो मैक्स टू मैक्स आपसे 5 स्टेप्स पूछे जा सकते हैं. मैक्स टू मैक्स आपसे कितने स्टेप्स पूछे जा सकते हैं? 5 स्टेप्स पूछे जा सकते हैं. द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट, द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट द कॉस्ट पर यूनिट एज पर एबीसी इज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल देन द ट्रेडिशनल मेथड. द अबव एनालिसिस क्लियरली शोज दैट द कॉस्ट पर यूनिट, द कॉस्ट पर यूनिट एज पर ट्रेडिशनल मेथड एज पर ABC is more accurate and reliable than the traditional method. So company should follow modern method for recovery of overhead to get the correct cost and maximum profit. ये comment भी मैंने आपको step 5 में लिख के दिया है. Step 5 में आपको comment भी मैंने लिख के दिया है कि the above analysis clearly shows that the cost per unit as per ABC is more accurate and reliable than the traditional method. So company should follow the modern method for recovery of overheads to get the correct cost and maximum profit. आपको क्या देगी कंपनी? Correct cost and maximum profit. सही है सुनो. तो अब आपको करना क्या है, आपको जैसे ये क्वेश्चन एक्टिविटी का आता है, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज. आपको एक्टिविटीज को देखना है, आइडेंटिफाई करना है उनके ड्राइवर्स कौन थे, उन ड्राइवर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है. एंड देन स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट, स्टेप नंबर 3 इज ए कंपैरेटिव कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट शीट एज पर ट्रेडिशनल अपना एबीसी और कंपैरेटिव कॉस्ट शीट स्टेप 4 एंड स्टेप 5 इज ए कमेंट्स पार्ट. सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो. बोलो यस ऑर नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो रहा. ओके, अब आप रेफर करिए जरा योर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9.3, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9.3, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9.3. ए कंपनी प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोड्यूस करती है फ्रेंड्स? ए कंपनी प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट्स पी क्यू आर एन एस, पी क्यू आर एन एस. ए कंपनी प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट्स पी क्यू आर एस, द डाटा रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी आर एस अंडर प्रोडक्ट्स. अपने पास 4 प्रोडक्ट हैं पी क्यू आर एस, अब इनकी यूनिट्स आपको दे रखी है. 1000 यूनिट्स आप किसकी बनाते हैं? P की. देन 10,000 आप किसकी बनाते हैं? Q की. 10,000 आप किसकी बनाते हैं बोलो? Q की. देखो जरा क्वेश्चन को, 10,000 आप किसकी बनाते हैं? Q की. 1200 आप किसकी बनाते हैं? R की. और 14,000 आप किसकी बनाते हैं? 14,000 आप बनाते हैं S की. बराबर. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखा है 10, 10, 32, 34, 10, 10, 32, 34. देन लेबर कॉस्ट आपको दे रखा है 1, 1, 4, 3. मशीन आवर्स आपका है 0.5, 0.5, 2 and 3. एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको दे रखा है 6, 6, 4 and 18. नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड आर एस अंडर ओवरहेड एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड. अब देखो आपको एक्टिविटीज दे रखे हैं, मशीन ओरिएंटेड 149,700 आपको दे रखा है, ओवरहेड रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल उसका दे रखा है 7,680. देन एडमिन ओवरहेड आपको दे रखा है, सेटअप कॉस्ट आपको 17,400, एडमिन ओवरहेड फॉर स्पेयर पार्ट्स 34,380, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आपको दे रखा है 30,294.
फर्दर इंफॉर्मेशन हैव बीन कंपाइल्ड, प्रोडक्ट पी क्यू आर एस, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल्ड, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स, सेलेक्ट ए सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस एंड कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। सही है सुनो फ्रेंड्स, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट ए सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस एंड कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। इट मींस पहले अपने को कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना है। नंबर टू, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड में आपको कॉस्ट शीट बना के बताना है, ठीक है। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, सबसे पहला पार्ट आपका क्या रहेगा, इट मींस योर स्टेप नंबर वन। योर स्टेप नंबर वन क्या रहेगा फ्रेंड्स, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट। फर्स्ट एक्टिविटी, देन कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड, देन एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर रेट। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड, एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। फर्स्ट एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी आपका कौन सा है फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्टिविटी इज ए मशीन ओरिएंटेड, दिस इज योर मशीन ओरिएंटेड। किसको डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मशीन आर्स एंड रिफर योर नोट नंबर वन, क्योंकि अपने पास मशीन आर्स का कैलकुलेशन नहीं दे रखा है। ओके, क्या करेंगे, इट मींस योर टोटल ओवरहेड इज 149,700 एंड उसको डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आर्स, ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं है तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। देन सेकंड आपको दे रखा है ओवरहेड रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, दिस इज योर ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास है 3 + 12 + 3 + 12 + 3 + 12 = 30, और आपका टोटल कॉस्ट है ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल इज 7680, इट मीन 7680 डिवाइडेड बाय 30 आपका आएगा 256। सही है सुनो फ्रेंड्स, तीसरा आपका एक्टिविटी है सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेटअप। ओके, नंबर ऑफ सेटअप आपको दे रखे हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ 3, 18, 5 and 24 is 50, एंड आपका टोटल कॉस्ट इसके लिए आएगा
17,400 डिवाइडेड बाई 50 इज 348. 17,400 डिवाइडेड बाई 50 इज 348. सही है सर. ओके, क्या आपने को दे रखा है? इट मीन्स स्टेप नंबर वन इज ए स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट एक्टिविटी. दिस इज योर कॉस्ट ड्राइवर यूज. एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर इज ए कॉस्ट ड्राइवर रेट. फर्स्ट इज ए मशीन ओरिएंटेड, सेकंड इज ए ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, थर्ड इज ए सेटअप. नंबर ऑफ मशीन आर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड नंबर ऑफ सेटअप. दिस रिफर नोट नंबर वन. ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है. गिवन से डिवाइड कर दिया, रेट आ गया, गिवन से डिवाइड कर दिया. इसके लिए आपको नंबर ऑफ मशीन आर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर ये रेट आपका निकलेगा. ओके, अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे. नंबर फोर आप आ जाइए फ्रेंड्स. दिस इज योर फोर. फोर्थ एक्टिविटी है आपका एडमिन ओवरहेड फॉर स्पेयर पार्ट्स. इट मींस एडमिन ओवरहेड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स. नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स 6, 15, 3, 12 is 34,380. 6 + 15 + 3 + 12 = 36. 34,380 divided by 36 is 955. Then material handling. This is your material handling depends on number of times material handled. Number of times material handled 6, 30, 9 and 36. 6, 30, 9 and 36. 6, 30, 9 and 36 is 81 and total 30,294 divided by 81 is 374. Now you go to note number 1. Note number 1 is a number of machine hours. You go to number of machine hours. It means your units, then hours per unit and total. It means PQRS 1000, then 10,000, 1200 and 14,000 into hours per unit is hours per unit is 0.5, then 0.5, then 2 and 3. It means 2400 and 42,000. 500, 2400, 42,000. This is 5,000, 2400, and this comes to 49,900.
3 rupees per hour. ये 3, 256, 348, 955, 374 and total hours is 49,900. So yes, perfectly clear or not? बताइए आप. सही है सुनो. स्टेप नंबर वन आपका क्या हो गया? स्टेप नंबर वन, वन एक्टिविटी, टू एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर. एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ड्राइवर रेट. फोर्थ एक्टिविटी फाइव, इनके सबके कैलकुलेशन दे रखे, ये नहीं चाहता हमने कैलकुलेट कर लिए. सही है सुनो, ये अपने पास नहीं था तो हमने कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके आपको ये बता दिया. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर. ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेप नंबर टू. इट मींस स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट एंड पर प्रोडक्ट. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट. ओके, फर्स्ट एक्टिविटी प्रोडक्ट कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड इनटू कॉस्ट ड्राइवर रेट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स? दिस इज योर स्टेप नंबर टू. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट. बराबर, ये एक्टिविटी, ये प्रोडक्ट, ये कॉस्ट ड्राइवर यूज, ये कॉस्ट ड्राइवर रेट, ये डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट. एकदम गो वेरी सिस्टमेटिक, एक एक पॉइंट MIS में मैनेजमेंट को एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए. राइट, फर्स्ट एक्टिविटी इज ए मशीन ओरिएंटेड. दिस इज योर मशीन ओरिएंटेड. फर्स्ट एक्टिविटी इज ए मशीन ओरिएंटेड. प्रोडक्ट है अपने पास PQRS. डिपेंड्स करेगा नंबर ऑफ मशीन आर्स, 500, 5000, 2400, 42,000. 1 hour का रेट इज 3 rupees. निकाला था ना फ्रेंड्स? डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन 1000 एंड 10,000, 1200 एंड 14,000. सही है सुन, इट मीन्स 500 इंटू 3 1500 डिवाइडेड बाई 1000 इज 1.50 paise. 5000 into 3 divided by 10,000 is
वन रुपीज 50 पैसे 2400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1200 इज 6 रुपीज इज 6 रुपीज 42,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14,000 इज 9 रुपीज 1.5, 1.5, 6 and 9 ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी का। सेकेंड इज योर ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल्स PQRS ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल PQRS depends on number of orders. Depends on number of orders. 312. एक order का rate है 256. Divided by number of units 1000 10000 1200 14000 it means 3 into 256 divided by 1000 is 0.768 3 into 256 divided by 1000 is 0.768. आपका क्या आएगा फ्रेंड्स 0.768 एंड देन 12 into 256 डिवाइडेड बाई 10,000 इज 0.3072 3 into 256 divided by 1200 3 into 256 divided by 1200 is 0.064 12 into 256 divided by 14,000 is 0.22 or 2194 0.2194 say yes or no friends 0.2194 आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्रेजेंटेशन आपका एक एक एकदम क्लियर होना चाहिए करके ना, जरा भी अपने वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए उसमें। 0.768 0.3072 0.64 okay and okay then you go to third is a setup cost right आपका क्या आएगा friends is a setup cost प्रोडक्ट कौन कौन से हैं पी क्यू आर एस सेटअप कॉस्ट पी क्यू आर एस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेटअप 318,524 इंटू वॉट इज द पर सेटअप का रेट इज 348 डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन इज 1000 देन 10,000 देन 1200 एंड देन
14,000 15 3 into 3 48 divided by 1000 is 1.1004 then 18 into 348 divided by 10,000 is 0.6264 then 5 into 348 divided by 1200 is 1.45 then 24 into 348 divided by 14,000 is 0.5966 0.5966 say yes or no friends 0.5966 say yes or no. Then fourth is a admin PQRS डिपेंड्स एडमिन एडमिन किसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स एडमिन डिपेंड्स ऑन स्पेयर पार्ट्स नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स इज एडमिन 6 into 955 divided by 1000 is 5.15 into 955 divided by 10,000 is 1.4325 3 into 955 divided by 1200 is 2.3875 12 into 955 divided by 14,000 is 0.8186 then you go for Handling P Q R S P Q R S number of times material handled is 630 936 into what is the rate is 3,74 3,74 3,74 divided by 1000 6 into 374 divided by 1000 is 2.244 30 into 374 divided by 10,000 is 1.1
टू टू, नाइन इंटू 374 डिवाइडेड बाय 1200 इज 2.805, 36 इंटू 374 डिवाइडेड बाय 14000 इज 0.9617, 2.224, 1.122, 2.805 एंड 0.9617. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर ऑन आउट बोलिए. ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ यू टेक स्टेप नंबर 3. Statement showing, statement showing cost sheet as per ABC, cost sheet as per ABC. Products P, Q, R, S. Units 1000, 10,000, 1200 and 14,000. Per unit. direct cost, direct material, direct labor मिलके आपका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट 10, 6, 16, 10, 6, 16, 32, 4, 36, 34, 18, 52. Indirect cost, activity 1, activity 2, activity 3, activity 4 and activity 5. ये हो जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट. एक्टिविटी 1, 1.5, 1.5, 6 एंड 9 निकाला था ना अपने, 1.5, 1.5, 6 एंड 9. देन एक्टिविटी 2, 0.768, 3072, 64, 2194, 1.044, 0.62, 64, 1.45, 0.5966, 5.73, 1.4325, 2.3875, 0.8186, 2.244, 1.122, 2.805 and 0.9617. So total cost will be 27.286, 20.9881, 49.2825,
5 7 सही है। बोल रही है तो स्टेप नंबर वन अपने क्या आइडेंटिफाई किया था, आपके पास स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, कौन कौन सी एक्टिविटी, उनके कौन कौन से ड्राइवर। स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट। स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट राइट एंड देन योर कॉस्ट। ये तीन चीजें ही इन लोगों ने क्वेश्चन में अपने से पूछा था। यूजर्स रेफर क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दिस इज योर आंसर नंबर टू। पार्ट टू का आंसर है स्टेटमेंट शोइंग कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दी ईच प्रोडक्ट। ओके ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 9.6। ए कंपनी प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी। कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, ए बी एंड सी। ए कंपनी प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी फॉर विच द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द क्वांटिटीज पर यूनिट आर एज फॉलोज। ए की हमें बनानी है क्वांटिटी प्रोड्यूस 10,000, बी की क्वांटिटी प्रोड्यूस 20,000 और सी की क्वांटिटी प्रोड्यूस 30,000। ये आपका 10, 20, 30। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है अपना 50 रुपीज, 40 रुपीज एंड 30 रुपीज। ओके एंड डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है 30, 40, 50, 30, 40 एंड 50। लेबर आवर्स है अपने पास 3, 4, 5, मशीन आवर्स है अपने पास 4, 4, 7। नंबर ऑफ परचेज रेक्विजिशंस है 1200, 1800, 2000। नंबर ऑफ सेटअप है 240, 260 एंड 300। नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट अप बाय डिपार्टमेंट वन इज 11 लैक्स, डिपार्टमेंट टू इज 15 लैक्स। डिपार्टमेंट वन इज ए लेबर इंटेंसिव, इसका मतलब किस पे जाएगा, लेबर आवर्स में। डिपार्टमेंट टू इज ए मशीन इंटेंसिव, किस में जाएगा, मशीन में। टोटल लेबर आवर्स फॉर द डिपार्टमेंट वन इज 2,60,000 एंड टोटल मशीन आवर्स इन डिपार्टमेंट टू इज 3,30,000। प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट अप बाय एक्टिविटी। अगर अपन टोटल देखें 11 लाख रुपीज अपना डिपार्टमेंट वन का है और 15 लाख अपना डिपार्टमेंट टू का है, बराबर टोटल हो गया 26 लाख। 26 के दो पार्ट हैं, एक है अपना अगर अपन एक्टिविटी में जाते हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट अप बाय एक्टिविटी रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग, और ये आपका है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड सेटअप। इसमें कितना जाएगा अपना 14 लाख और इसमें अपना कितना जाएगा इज ए 12 लाख। नंबर ऑफ बैचेज रिसीव्ड इंस्पेक्टेड 5,000। नंबर ऑफ बैचेज फॉर शेड्यूलिंग एंड सेटअप 800। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कंपेयर द रिजल्ट अंडर टू मेथड्स। ओके देख लीजिए, सबसे पहले ट्रेडिशनल में अपने को बोला है उसने। ओके टोटल अपन के पास अगर अपन को वेरीफाई भी करना है ना तो अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे दिस इज योर नोट नंबर वन, टोटल लेबर आवर्स प्रोडक्ट्स यूनिट्स लेबर आवर पर यूनिट टोटल ए बी सी 10,000, 20,000, 30,000,
थ्री फोर फाइव, थ्री फोर एंड फाइव, 30,000, 80,000, 150. 30, 80, 150 is 260. Then note number 2, A, B, C units 10, 20 and 30 into hours per unit, machine hours per unit, machine hours per unit is 447, 447. This is 40,000, 80,000, 210. 40, 80, 210 is 330. 260 and 330. टोटल मशीन आर्स इज 330 आपको दे रखा है एंड 260. ये कैसे निकले, इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास यूनिट्स, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ए बी एंड सी. आपके पास यूनिट्स है 10, 20, 30, ए बी एंड सी. आपके पास यूनिट्स है 10, 20, 30, आर्स पर यूनिट 345 एंड 447. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप निकालिए स्टेटमेंट शोइंग रिकवरी रेट. आंसर नंबर 1 अपने को निकालना है ना फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है अपने से. प्रिपेयर ए प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन. ट्रेडिशनल मतलब क्या हो गया आपका, डिपार्टमेंट 1 ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स एंड डिपार्टमेंट 2 ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. ओके, इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग रिकवरी रेट. स्टेटमेंट showing recovery rate. Okay, this is your department 1 recovery rate equal to total overheads divided by total labor hours and department 2 recovery rate equal to total overheads divided by total machine hours. Okay, total overheads है अपने पास 11 lakhs and total labor hours 2,60,000. Thus we have calculated, it means recovery rate will be 11 lakhs divided by 2,60,000 is 4.23 and total 15 lakhs divided by 3,30,000. So total 15 lakhs divided by 3,30,000 is 4.55. सही है सुनो फ्रेंड, देयर आर टू डिपार्टमेंट. एक है अपना डिपार्टमेंट 1 बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स से डिवाइड कर दिया. डिपार्टमेंट 2 रिकवरी रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स. ओके, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, आपका रिकवरी रेट आ जाएगा 4.55. आपका रिकवरी रेट आ जाएगा 4.23. सही है सुनो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ वी कैन प्रिपेयर द कॉस्ट शीट. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट एज पर ट्रेडिशनल मेथड. ओके, इट मींस योर आंसर नंबर आपका हो जाएगा 1. आंसर नंबर 1 पार्ट 1, दिस इज योर आंसर नंबर 1 पार्ट
वन, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट एच पर ट्रेडिशनल मेथड। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं अपने पास फ्रेंड्स? प्रोडक्ट्स ए बी सी, यूनिट्स 10,000, 20,000, 30,000 पर यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। व्हाट इज द पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज, तो पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज जस्ट रेफर, पर यूनिट डायरेक्ट कॉस्ट इज 50, 40, 30। व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? 30, 40 एंड 50। ये आपका मिलके हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज 80, प्राइम कॉस्ट इज 80, प्राइम कॉस्ट इज 80। एंड देन इनडायरेक्ट कॉस्ट डिपार्टमेंट वन एंड डिपार्टमेंट टू आर 3, 4, 5, 3, 4 एंड 5 एंड आर इज 4, 4, 7, 4, 4 एंड 7, 3, 3, 5, 4, 4, 7। So yes or no? Now the recovery rate is 4.23, 4.23, 4.23, 4.55, 4.55, 4.55. This is your factory cost. 80.2 and 5 into 4.55 is 18.2 and then 4 into 4.55 is 18.2 and 7 into 4.55 is 31.85. 80 12.69 18.2 11 0.89 then 80 plus 16.92 plus 18.2 11 5.12 12 80 21.15 plus 31.85 is 133. This is as per your traditional method. Say yes or no. Statement showing cost sheet as per traditional method. There are three products A, B and C. Units 10,000, 20,000, 30,000. आपको direct material cost दे ही रखा है. आपको direct labor cost दे ही रखा है. Department 1 based on labor hours. Department 2 based on machine hours. और आपका ये हो जाए. अब उसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स, इज ए टू, इज ए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल मेथड आपका ये आ गया 110 दिस एंड दिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इट मीन्स ए बी सी इट मीन्स आंसर नंबर 1 एंड पार्ट 2 ओके स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एवरेज इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एवरेज दिस इज योर एक्टिविटी दिस इज योर कॉस्ट ड्राइवर यूज्ड एक्टिविटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर इक्वल टू कॉस्ट ड्राइवर रेट ओके फर्स्ट इज रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बैचेज रिसीव्ड टोटल बैचेज रिसीव्ड इज 5000 अपने को दे रखा ना फ्रेंड्स टोटल बैचेस रिसीव्ड इज 5000 कैसे 1200 and 2000 5000 टोटल कॉस्ट इज 14 lakhs इट मीन्स 14 lakhs डिवाइडेड बाय 5000 is 280. Second is production scheduling machine setup. Production scheduling and setup. वो किसके ऊपर depend करेगा? Depends on number of setup. Number of setup is 800 240 260 and 300 240 260 and 300 is 800 and your cost is 12 lakhs divided by 800 is 1500. Say yes. Then you go step number two is statement showing. Statement showing cost driver. Statement showing cost driver rate per unit and per product. Statement showing cost driver rate per unit per product. Activity. Products cost driver used into cost driver rate production cost driver rate per unit per product. फर्स्ट एक्टिविटी रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ए बी एंड सी सेकेंड एक्टिविटी इज प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड मशीन सेटअप
प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड मशीन सेटअप ए बी एंड सी. कॉस्ट एवर यूज्ड, कॉस्ट एवर यूज, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस एंड नंबर ऑफ सेटअप. नंबर ऑफ बैचेस 1200, 1800, 1800 and 2000, 240, 260 and 300 into what is the per batch ka rate is, what is the per batch ka rate is 280 and 800. 280, 280, 280, 800, 800, 800 divided by production 10,000, production 20,000 and production 30,000. 10,000, production 20,000 and production 30,000. Means 1200 into 280 divided by 10,000 is 33.6. 33.6. 1800 into 280 divided by 20,000 is 25.2. 2000 into 280 divided by 30,000 is 18.67. Then 240 into 800 divided by 10,000 is 19.2. 260 into 800 divided by 20,000 is 10.4. 300, 800 divided by 30,000 is 8. 33.6, 25.2, 18.67, 36, then 1500. This is your 1500 divided by 10,000, 20,000 and 30,000. It means 240, 1500 divided by 10,000 is 36. Two sixty into fifteen hundred divided by twenty thousand is nineteen point five. 300, 1500 divided by 30,000 is 36, 19.5 and 15. Then you prepare the step number 3. Step number 3 is your statement showing cost sheet. Statement showing cost sheet as per ABC.
प्रोडक्ट्स ए बी सी यूनिट्स 10,000 20,000 30,000 डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 50 40 30 50 40 50 30 40 and 50 80 80 80 and this is your prime cost. Then indirect cost, activity 1, activity 2, activity 1 is 33.6, nikala tha hum ye apne 33.6, 25.2, 25.2, 18.67. Okay, then 18.67 Okay. Then 36.19.5 and 15. 18.6 plus 15 is 113.67. Say yes or no. Perfectly clear. Okay, this is your step number 3. Answer number 1 and part 2. अगर आपको कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बनाना है तो आंसर नंबर 2 बना सकते हैं. दिस इज योर स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव कॉस्ट शीट दिस इज योर traditional. This is your ABC. traditional में पहले निकालो आप 114.6 perfect. All right, all of it, yes or no? Okay, अब इसी में मैं आपको फिर आगे के लेक्चर में मैं आपको मॉड्यूल के सम्स कराता हूँ, राइट? फिर अपन प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाएंगे. अगर अपने को प्रोडक्ट को बेचना है तो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस. फिर हम लोग बनाएंगे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी. अपने पास तीन तरह के कस्टमर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस. लेकिन सब जगह आपका एक्टिविटी का यूज होगा. एक्टिविटी में आपको ध्यान क्या रखना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको ध्यान क्या रखना है. स्टेप वन कॉस्ट शीट, स्टेप वन आप आइडेंटिफाई करिए आपके पास क्या क्या कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, उनके ड्राइवर्स कौन कौन हैं. फिर स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेप नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट पर प्रोडक्ट. ओके, एंड स्टेप नंबर थ्री इज ए कॉस्ट शीट, कंपेरेटिव कॉस्ट शीट, एंड लास्ट में आपका कमेंट्स हो सकता है. ओके,